हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल टारगेट पीसीएस जुडिशरी तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 106 ज़ीरो सिक्स सी आर पी सी दैट इज़ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन तो चलते हैं पहले वेयर एक्ट से सेक्शन को पढ़ने के लिए देखिए सेक्शन 106 जीरो सिक्स सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन सब सेक्शन वन पढ़ते हैं कैरे अ कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो दो कोर्ट्स की बात हुई कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कन्विक्स अ पर्सन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन टू कह रहे हैं यहाँ पर ये यह दोनों जो कोर्ट्स हैं अगर किसी भी बंदे को कन्विक्ट करते हैं मतलब सेंटेंस वगैरह पूरा सुना देते हैं और वो दोषी पाया जाता है उनको कौन से ऑफेंसेस के लिए इसी सेक्शन के जो सबसेक्शन टू में ऑफेंसेस दिए हैं उनके लिए या फिर उनके अबेटमेंट के लिए देखिए और ऑफ अबेटिंग एनी सच ऑफेंस और एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन और इन दोनों कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है कि इस बंदे से मतलब जिसको इन्होंने कॉन्विक्ट ठहराया है उससे नेसेसरी इनको लग रहा है कि पीस मेंटेन करने की बॉन्ड भरवाई जाए तो फिर द कोर्ट में अब कब एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन जब उसका फाइनल सेंटेंस देना होगा तो उसको कोर्ट ऑर्डर कर देंगे कौन से दो कोर्ट्स याद रखिए कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड कोर्ट्स ऑफ सेशन ऑर्डर हम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद विदाउट श्योरिटीज़ अब ये जो बॉन्ड है विदोर विदाउट श्योरिटीज़ हो जाएगी किस लिए फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड जो कि थ्री ईयर्स से एक्सीड नहीं करेगा आगे देखते हैं जिन ऑफेंसेस की बात हुई थी द ऑफेंसेस रेफर्ड टू इन द सब सेक्शन वन आर एनी ऑफेंस पनिशेबल इन चैप्टर एट ऑफ इंडियन पिनल कोड अदर देन द ऑफेंस पनिशेबल अंडर वन ए वन बी और सेक्शन 154 तो आईपीसी के चैप्टर एट के जितने ऑफेंसेस हैं उनके लिए लेकिन एक्सक्लूडिंग ये तीनों आपको पता होना चाहिए फ्री में पूछ सकते हैं कि कौन से के लिए नहीं होता बी बोल रहा है एनी ऑफेंस विच कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड्स असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स कमिटिंग मिशिफि यह आपको तीन चीजें याद करनी है असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स और मिस्चिफ फिर आगे है एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटरप्रटेशन ये भी पता होना चाहिए मतलब ये चारों ही आपको पता होना चाहिए मेंस के क्वेश्चन में भी आ चुका है एक बार एनी अदर ऑफेंस विच कॉज और इंटेंडेड टू कॉज और नोन टू बी लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ़ द पीस या फिर कोई और ऐसा ऑफेंस जिसको लग रहा है इनको कि ब्रीच ऑफ पीस कॉज कर सकता है तो पहले चलिए इसके नोट्स एक बार देख लेते हैं फिर हम लोग बाकी के उस पर आएंगे पॉइंट्स पर तो ये चैप्टर एट हम डील कर रहे हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर माना जाता है कि मतलब अब आपको लग रहा है ऐसा है अब आगे जो सेक्शन आएंगे वन जीरो सेवन एंड ऑनवर्ड्स तो उसमें आपको लग रहा है कि ये बंदा ऐसा कर सकता है और इसमें भी वन जीरो सिक्स में भी आपको लग रहा है कि जब ये छूट के निकल जाएगा तो उसके बाद फिर से ये पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और गुड बिहेवियर नहीं प्रजेंट करेगा तो यहाँ पर आप फिर इससे बॉन्ड भरवा रहे हैं देखिए कह रहे हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन सब सेक्शन वन में ही चल रहे हैं अभी हम लोग देखिए माकिया है वन अब कौन सा कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट सॉरी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉन्विक्स पर्सन फॉर एनी ऑफेंस मैंशन एंड वन जीरो सिक्स का टू या फिर अबेटमेंट एंड मतलब ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ नेसेसरी कि सिक्योरिटी ले लें पीस मेंटेन करने के लिए कब भरवाई जाएगी ये बॉन्ड कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस ऑन सच पर्सन ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अब वो बॉन्ड कैसी हो सकती है विद और विदाउट श्योरिटीज़ क्यों भरवा रहे हैं फॉर कीपिंग पीस टाइम नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर्स या फिर जितना भी टाइम कोर्ट को लगता है थ्री ईयर्स के अंदर ही ये मेन सब क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी ना कि आ चुका है देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑफेंसेस इन विच द कोर्ट आफ्टर कन्विक्टिंग एक्यूज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड एंड व्हेन डस दिस बॉन्ड कमेंसेस तो वही हमने चारों लिख दिए दोबारा और कमेंसेस का आंसर तो आपको पता ही है कि जब वो रिहा होकर के बाहर आएगा उसके बाद से ही इसकी ये चालू हो जाएगी अब चलते हैं सब सेक्शन थ्री पढ़ने के लिए फिर उसके जो पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं कह रहा है कन्विक्शन इज और अदरवाइज बिकम वॉइड आपने बॉन्ड क्यों भरवाई कन्विक्शन की वजह से अब जब कन्विक्शन अपील की वजह से या किसी वजह से हट गया है और उसके ऊपर असाइड हो गया है तो फिर बॉन्ड तो ऑटोमेटिकली वॉइड हो ही जाएगी तो देखिए वही लिखा है इसमें ये रहा वेन कैन सच बॉन्ड बिकम वॉइड तो इफ द कन्विक्शन इज सटिस और अदरवाइज द बॉन्ड एक्जीक्यूटेड शैल बिकम वॉइड चलिए फोर्थ पे आते हैं एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन मे ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट और बाय अ कोर्ट वेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिविजन तो अगर क्वेश्चन आता है आपका दिखा रही हूँ जैसे क्वेश्चन है कैन एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन बी मेड बाय एनी कोर्ट अदर अदर सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट तो ये आ सकता है प्री में तो हाँ उनके अलावा भी अपीलेट कोर्ट मतलब जिसके भी कोर्ट में इसके रिगार्डिंग अपील की गई है या फिर कोई और कोड जब वो अपना पावर ऑफ़ रिविजन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है एक बार आप ये सारे नोट्स जो आपको अगर लगे इंपॉर्टेंट तो एक बार आप कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसने इसलिए बना दिया ताकि जैसे क्वेश्चनिंग फॉर्म में रहता है तो याद रहता है बस बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और मैं एक स्पीड बूस्टर क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ उसमें भी ऐसे वीडियोज़ होंगे एम होंगे और टेन सेकेंड्स का टाइम होगा हर एक एम के लिए तो वो भी मैं बहुत ही जल्द ले करके आने वाली हूँ बाकी आप मेरे इंस्टा के पेज को लाइक कर लीजिएगा टारगेट पीसीएस जुडिशरी और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय